Hey everyone guys, good morning, welcome back. I hope you are doing well and studies are also going well. So आज का वीडियो लाइब्रेरी से शुरू हो रहा है यार. एक्चुअली मैंने सुबह थोड़ा बहुत शूट करना भूल गया था यार. एक्चुअली सच बात बताऊँ तो कुछ दिनों से थोड़ा बहुत माइंड डिस्टर्ब था, क्योंकि कुछ दिन पहले ही IBPS का रिजल्ट आया हुआ है एंड इस बार मेरा क्लरिकल में नहीं हुआ. एंड PO के बारे में तो मुझे पहले से मालूम था, बिकॉज PO को मेन्स का स्कोर कार्ड पहले ही आ चुका था, इसलिए मैंने PO के लिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत किया था यार. एक्चुअली मेरे केस में ऐसा था ना कि मेरा जो ओवरऑल स्कोर था ना, वो कट ऑफ से 22-25 मार्क ज़्यादा था, बट आई कुडंट एबल टू क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ ऑफ क्वांट, दैट इज़ 2.25 मार्क दिस ईयर. यार एक्चुअली मैंने क्वांट में 2 DI ऐसे उठा लिए थे जो कि मेरे से बन नहीं पाए उस टाइम पे, एंड उसके वजह से थोड़ा मेरा ज़्यादा टाइम चला गया था. एंड क्वांट भी इस बार थोड़ा बहुत टॉपेस्ट साइड में था, तो इसके वजह से मैंने थोड़ा वहाँ पर पैनिक हो गया. एंड इसके वजह से मेरा जो आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो गया एंड मेरा मेंस क्लियर नहीं हो पाया. सो यार एक्चुअली मैंने तब से अपने आपको स्ट्रांग बना के रखा था कि चलो इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे, 2023-24 में जो भी बैंक एग्जाम आएगा ना उसको टारगेट करेंगे. लेकिन यार आप अपने आप को जितना भी स्ट्रांग बना के रख लो, रिजल्ट का डे एक ऐसा डे होता है ना, आपका पॉजिटिव रिजल्ट आया तो बहुत अच्छा, नेगेटिव आया ना तो आप इमोशनल फील करते हो, आप डिसहार्टेंड सा फील करते हो, आपको लगता है यार सब कुछ पहले से शुरू करना पड़ेगा, इतना मेहनत किया था यार. एक्चुअली मेरे साथ भी वो दिन ऐसा बीता यार, बहुत इमोशनल सा फील हो रहा था उस दिन. लगता है कि यार फिर से एक साल फिर से मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन जैसे तैसे मैंने अपने आप को संभाला. लेकिन यार तो एंड ऑफ द डे एक छोटा सा वीडियो आया था आशीष सर का, आप आई होप आप सब देख चुके होंगे उस वीडियो को. उसको देखने के बाद थोड़ा बहुत लगा कि चलो यार फिर से शुरू करते हैं, नहीं से करेंगे लेकिन फिर से करेंगे, लेकिन इस बार बैंकिंग सेक्टर में एक एग्ज़ाम क्रैक करके ही रहेंगे. यार देखा जाए तो अभी इस टाइम पे हम अपने आप को जो भी बोलते हैं ना, वो एक टाइप का एक्सक्यूज ही होता है, बिकॉज यार जो हमारे अलावा जो भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है आज, वो भी मेहनत करके वो भी एग्ज़ाम क्रैक करके ही सिलेक्शन लिए हैं. हमारे से नहीं हुआ, मतलब हमारे से ही कमी, हमारी मेहनत में थोड़ा बहुत कमी रह गया था, या आप कह सकते हैं ये स्टार्सिटी हो सकता है. मेरे केस में क्वेश्चन सिलेक्शन शायद एक कमी रह गया था, तो इसके वजह से मेरा हो नहीं पाया. तो ऐसा नहीं है कि यार हम कर नहीं पाएंगे, बट कर सकते हैं, लेकिन इस बार जो भी गलती हमसे हो गया उसको सुधारेंगे, एक नई स्ट्रैटेजी का नई शुरुआत करेंगे एंड फिर से 2023-24 एग्ज़ाम को टारगेट करेंगे एंड इतना मेहनत करेंगे कि इस साल हमारा सिलेक्शन हो जाए. तो देखा जाए तो अराउंड 4 मंथ ही बचे हैं नेक्स्ट टर्म के एग्ज़ाम स्टार्ट होने के लिए, बिकॉज August 5 से ही RRB का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है. अराउंड 4 मंथ्स ही बचे हैं, तो इससे 4 महीने में हमको फिर से जो भी हमें पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करना है एंड उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी ज़्यादा से ज़्यादा करना है. सो यार जिन लोगों का इस बार सिलेक्शन हो गया उनको दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड जिनका नहीं हुआ तो हार मत माने यार, इस बार सिलेक्शन लेके ही रहेंगे. तो यही था यार, इसके वजह से थोड़ा बहुत माइंड डिस्टर्ब रहा कुछ दिनों से, लेकिन मुझे लगा कि चलो यार जो हुआ सो हुआ, फिर से शुरुआत करते हैं. एंड मैं अभी लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा हूँ एंड मैं अभी हमारा जो रहता है ना कि 120 रूल्स ऑफ ग्रामर उसको रिवाइज कर रहा हूँ. यार कुछ दिनों से हमारे यहाँ 2-3 दिनों से ऐसा वेदर था कि अभी बारिश होगा ऐसा लगता था, लेकिन हो नहीं रहा था. लेकिन आज के दिन पर ऐसा बारिश हुआ कि ये जो चीज़ें इसको इंग्लिश में हेल कहते हैं एंड एक्चुअली इसका उड़िया प्रोनाउंसिएशन तो मुझे मालूम है बिकॉज आई बिलोंग टू ओडिशा, बट हिंदी का प्रोनाउंसिएशन मुझे मालूम नहीं बिकॉज यार मेरा मदर टंग उड़िया है. मैं हिंदी थोड़ा ठीक सा बोल लेता हूँ लेकिन इतना ज़्यादा सही नहीं, तो इसके वजह से. एंड आपको इसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में क्या बोलते हैं इसको मालूम है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना यार. तो अभी हमने थोड़ा बहुत बारिश का मज़ा लिया एंड बारिश होता है तो ये तो इसका बारिश का साइड इफेक्ट ही हर जगह होता है. हमारे यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा भर गया था यार, थोड़ा जाने में तकलीफ हुआ, लेकिन वेदर ऐसा था कि हम जैसे तैसे करके बाहर आए एंड आने के बाद थोड़ा बहुत चाय वाय पिया.
एंड ये मेरा आज का रात का डिनर है। मैं अराउंड 9 PM के पास ही मैं रूम पे आ चुका था लाइब्रेरी से, एंड खाना खाने के बाद अभी मैं थोड़ा बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ। एंड ये मैं जो निमिषा बंसल में हमके परफेक्शन का एक बुक होता है, उस बुक से थोड़ा बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई कर रहा हूँ। यार एक्चुअली आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट सा हो गया, मुझे कुछ अलग बोलना था लेकिन मैं कुछ अलग ही बोल दिया। होता है यार, ऐसा होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना यार, एंड आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सो मैं फिर मिलूँगा यार एक न्यू स्टडी ब्लॉग में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।